वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया, उनका नाम चंपत राय नहीं नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के इस बयान ने आजादी के बाद से देश के सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दों में शामिल रहे श्री राम जन्मभूमि को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। आरोपों के निशाने पर आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिन पर करोड़ों रुपए के हेर फेर का आरोप लगाया गया। और आखिरकार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और आज हम इसी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े विवाद की तह में जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपत राय, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा क्षेत्र ट्रस्ट, वो ट्रस्ट जिसके पास 4,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। ऐसे में अगर उसी चंपत राय पर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ से भी ज्यादा में खरीदने का आरोप लगेगा तो फिर सियासी भूचाल आना तो लाजमी है। आरोपों के बाढ़ छोड़ने में प्रियंका गांधी वाड्रा भी देर नहीं लगाएंगी, भले ही उन्होंने या उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने राम मंदिर के लिए चंदा देने से इनकार कर दिया हो। ऐसे में कोई ताजुब नहीं कि आनन फानन चंपत राय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपनी सफाई देते हुए कहा कि खोजबीन करने पर यह भूखंड हमारे उपयोग के लिए अनुकूल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया गया। भूमि का जो मूल्य मांगा गया उसकी तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से की गई। अंतिम देय राशि लगभग 1,423 रुपए प्रति वर्ग फीट तय हुई, जो पास के क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से काफी कम है। मूल्य पर सहमति बन जाने के बाद संबंधित व्यक्तियों को अपने पूर्व के अनुबंधों को पूर्ण करना आवश्यक था, तभी संबंधित भूमि तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त हो सकती थी। विश्व हिंदू परिषद ने भी चंपत राय का बचाव करते हुए आरोप लगाने वालों पर मानहानि का केस करने की बात कह डाली। तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा डील ट्रांसपेरेंट है, वेल कंसिडर्ड है, स्वस्थ है और जो लोग राम जी से द्वेष करते हैं, राम मंदिर से द्वेष करते हैं, राम जी के आंदोलन का विरोध करते रहे और आज जिन्होंने ज्वाइन किया है प्रियंका जी, उनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी है ही नहीं, ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, वो मिथिकल है। बाहर वालों पर मानहानि का केस करने की चेतावनी तो समझ में आती है, मगर ट्रस्ट के अंदर से ही अगर महासचिव चंपत राय पर सवाल उठने लगे तो क्या कीजिएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन का भी कहना है कि पिछले एक साल से ट्रस्ट के सारे फैसले चंपत राय ले रहे हैं और वो भी बिना अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से विचार विमर्श किए। कमल नयन कहते हैं कि ट्रस्ट में जो कुछ भी हो गया है उसकी जानकारी अध्यक्ष को नहीं दी जा रही। रविवार 13 जून को करीब एक साल बाद ट्रस्ट के सदस्यों ने महंत नित्य गोपाल दास जी का आशीर्वाद लिया है। सारे फैसले महासचिव चंपत राय की तरफ से लिए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा क्षेत्र ट्रस्ट ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसके 15 ट्रस्टी हैं। महंत नित्य गोपाल दास जो कि अध्यक्ष हैं, स्वामी गोविंद देवगिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, चंपत राय जो कि महासचिव हैं ट्रस्ट के, इसके अलावा जो बाकी ट्रस्टी हैं वो हैं निपेंद्र मिश्र, के पारासरन, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, स्वामी परमानंद गिरी, विमलेंद्र मोहन प्रताप, डॉक्टर अनिल मिश्र, कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास, ज्ञानेश कुमार, अवनीश अवस्थी और अनुज झा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रस्ट के खाते हैं, जिनमें करीब 4,000 करोड़ रुपए की रकम जमा है जो दुनिया भर से चंदे में इकट्ठा की गई है। मगर जमीन खरीद पर उठे इस सवाल ने न सिर्फ चंदा देने वालों बल्कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का ध्यान भी इस ओर खींच लिया है। दरअसल जिस जमीन की बात की जा रही है उसकी मौजूदा सर्किल रेट भी 5.79 करोड़ रुपए ही है। नियमों के हिसाब से खरीदने वाले पर 30% का टैक्स और बेचने वाले पर 20% का कैपिटल गेन भी लगता है। यही वजह है कि सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और राम जन्मभूमि से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।